कलर बर्स्ट सिग्नल। देखिए क्या होता है कि जो भी हमारा जो हमारी मॉड्यूलेटिंग कलर डिफरेंस सिग्नल होता है उसमें सब कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है डबल साइड बैंड में, तो उसको हमें सप्रेस करना पड़ता है। कैरियर को जो डबल साइड बैंड होती है उसे सप्रेस करना पड़ता है, और उसे सप्रेस करने के लिए हमें बैलेंस मॉड्यूलेटर की जरूरत होती है। जो कैरियर होता है उसे सप्रेस इसीलिए किया जाता है ताकि जो इंटरफेरेंस हो रही है किसकी वजह से, क्रोमिनेंस सिग्नल की वजह से, यानी कि अगर मोनोक्रोम रिसीवर जो कि ब्लैक एंड व्हाइट रिसीवर है अगर वो रिसीव कर रहा है सिग्नल को, किसी कलर सिग्नल को, तो जो भी इंटरफेरेंस होगी क्रोमिनेंस सिग्नल में मोनोक्रोम रिसीवर पे जब वो रिसीव करेगा कलर ट्रांसमिशन को, तो उस टाइम पे जो इंटरफेरेंस होगी उसे एलिमिनेट किया जा सके, या फिर जो ल्यूमिनेंस होगा चैनल का कलर रिसीवर पे उससे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें एलिमिनेट किया जा सके। इस वजह से हमें सप्रेस करना पड़ता है कैरियर डबल साइड बैंड को। देखिए इसमें क्या होगा कि जो रेशियो होती है साइड बैंड पावर कैरियर पावर की, वो मॉड्यूलेशन की डेप्थ के अकॉर्डिंग इंक्रीज करे। जितनी मॉड्यूलेशन की डेप्थ होगी उतनी ही ज्यादा कैरियर होगी, यानी 100% मॉड्यूलेशन में जो 2/3 पार्ट होता है वो टोटल पावर का होता है कैरियर का, और सिर्फ 1/3 पार्ट होता है वो साइड बैंड पावर का होता है, और इसमें उसको सप्रेस किया जाता है। सप्रेस इसलिए किया जाता है कि एलिमिनेट किया जा सके किसे, जो मेन पोटेंशियल होता है उससे हमें प्रॉपर सिग्नल मिल सके, इंटरफेरेंस ना हो। जो कलर डिफरेंस सिग्नल होता है वो उसमें जो हमारा मॉड्यूलेटिंग इंफॉर्मेशन जो होगी वो जीरो होगी जब कलर डिटेल जो होगी वो नॉन कलर्ड होगी, यानी कलर डिटेल जब ग्रे ब्लैक व्हाइट शेड में आएगी उस टाइम में। तो इसमें क्या होगा कि उस टाइम में जो साइड बैंड है उस वो जो साइड बैंड होंगी सिग्नल में वो भी डिसअपियर होंगी, ताकि कोई भी क्रोमिनेंस कंपोनेंट वीडियो सिग्नल का वो ना जाए किसमें, ब्लैक एंड व्हाइट में। तो इसमें देखिए कि हम एक कलर बर्स्ट सिग्नल का यूज करते हैं। कलर बर्स्ट सिग्नल हम क्या करते हैं कि एक सब कैरियर फ्रीक्वेंसी जो कि ट्रांसमीटर के थ्रू नहीं होती, उस फ्रीक्वेंसी को रिसीवर पे ऐड किया जाता है। इसको ऐड करना, जनरेट किया जाता है रिसीवर पे, इसको जनरेट करना जरूरी होता है। यह करती है एक करेक्ट फ्रीक्वेंसी पे उसे जनरेट किया जा सकता है और प्रॉपर डिटेक्शन किया जाता है कलर साइड बैंड का। ये जो हमारी ऐड जो हम करते हैं वो हमारी जो इंश्योर करती है जो सैंपल होते हैं हमारे सब कैरियर ओसिलेटर के, और ये जो कलर बर्स सिग्नल होता है इसमें 8 से लेके जो 10 साइकिल हैं वो कलर बर्स्ट की होती है। मान लीजिए ये जो हमारा कंप्लीट है ये हमारी कंप्लीट हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग इंटरवल है, ब्लैंकिंग इंटरवल जिसमें फ्रंट पोच बैक पोच हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स सब आती हैं, हमने फ्रंट पोच बैक पोच सारा कुछ किया हुआ है। तो इसमें जो ये अपर वाला पार्ट है ये टोटल हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग इंटरवल है, यानी कि सिग्नल के बाद जो इंटरवल आता है, और इसके बीच में सिंक पल्स भी होगी, ठीक है ना। सिंक पल के साथ ही जो कलर बर्स्ट सिग्नल है, यानी जो 8 से लेकर 10, 10, 11 साइकिल्स हैं वो सेंड की जाती है कलर बर्स्ट सिग्नल की। इसमें क्या होगा कि ये बैक पोच पे होती है, जो हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग पेडिस्टल होता है उसकी बैक पोच पे, जो हमने अपने पिछले टॉपिक्स में कर चुके हैं कि बैक पोच क्या होता है, जो कि बैक पोच पे हमारी 8 to 11 साइकिल्स होंगी। जो कलर बर्स्ट है वो क्या करती है, वो जो हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स है इसके साथ इंटरफेयर नहीं करती, इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी, क्योंकि देखिए जो हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स का एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कलर बर्स्ट की जो फ्रीक्वेंसी होती है पल्सिस की वो बहुत कम होती है, इसलिए इनके बीच में इंटरफेरेंस के चांस नहीं होते। और ये क्या करेगी, ये जो बर्स्ट सिग्नल होता है ये मेंटेन करता है फेस रिलेशनशिप को। जो भी हमारी स्कैनिंग सिग्नल होगा उनको उसके रिलेशनशिप को मेंटेन करेगी और प्रॉपर फ्रीक्वेंसी
इंटर लेवल को शो करेगी, यानी प्रॉपर फ्रिक्वेंसी देगी, और जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिंक पल्सिस हैं उसे भी, उन दोनों पल्सिस को भी ड्राइव करेगी सब कैरियर में से, यानी फ्रिक्वेंसी डिवाइडर सर्किट में से। यही हमारा कलर बर्स्ट सिग्नल होता है। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।